हर हर महादेव दोस्तों, तो आप सब लोग कैसे, मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आपका स्वागत है सरिता चौधरी व्लॉग्स में। और आज की शुरुआत कर रहे हैं, मैं सुबह के 9:30 बजे से खाना बना दिया मैंने, अभी खाया नहीं है। तो पहले मैं ऊपर खेत में चलती हूँ ठेलकू के लिए, और कल बहुत ही इंजॉय किया हमने वहाँ पे ग्वार पे, और आज भी जा सकते हैं, देखते हैं अगर कोई जाएगा तो ठीक है, वरना कल देखेंगे। तो मैंने खाना खा लिया और खेत में आ गई मैं, और तो मैंने गाय को भी निकाल रखा है क्योंकि धूप बहुत कमी लगी है, मैंने कहा रहने देती हूँ, और थोड़ा गर्मी भी लग, मैं थोड़ा बाहर की हवा लग जाएगी ना उसको, इसलिए मैंने अंदर नहीं रखा उसको। और सही से अभी कोई नहीं जा रहा यार उधर, मैं रवन कर वहीं रहूँ तो देखते हैं कि फिर रात को भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं। गेहूँ बहुत बड़े हो गए हैं, देख सकते हैं आप। धूप नहीं लग रही है तो अब गाय को बांधती मैं, पछंती पछंती अबे 5 बजे इसको पानी देती, पहले पिएगी तो ठीक है, नहीं पिएगी तो आज मौसम बहुत बेकार हो रखा है, नीचे गोसलझारी में गोबर निकालने के लिए, अब बहुत दिनों से निकाला नहीं था ना, तो इसलिए अब निकालते हैं, और उसके यहाँ कुछ काम तो है नहीं है। तो मैं नीचे वाली गौशाला आ गई हूँ और अब निकालती हूँ गोबर, बहुत दिनों से निकाला नहीं था ना मैंने, तो अब निकालती हूँ अब। और यहाँ पे बाहर पे बकरी की बच्ची है तो उसको भी अंदर ले जाती है, यार बहुत ठंड लग रही है ना ऐसा मौसम में, कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो चलो क्या करिए, बोलो। पकड़ दिया भागी छे भागी छे। हेलो हेलो बो ए भाई ऐसे भाग है? डिशुम 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 करेगी। ओए कैसे देख रही हो। चलो अब इसको अंदर बांधती मैं, फिर गोबर निकालती है, फिर उसके बाद थोड़ा इसको देखते हैं, अभी वो भाग जाएगी, पता नहीं कहाँ कहाँ जा जाएगी। मैंने सारा गोबर भी निकाल दिया है, और अब इस बकरी की बच्ची को बाहर निकालती मैं, कब से म्याँ 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 करने पर लगी है, क्योंकि उसको लग रहा है कि मेरी मम्मी आ गई, तो इसलिए निकालती पहले उसको, तब तक बाहर के लिए कर रही बस। क्या करनी है थोड़ा इसको बाहरी पे रहने देती हूँ, बेचारी कब से कह रही थी मैं 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 मैं, अरे मैं मैं डर कैसे रही मार सो रे मैं कम है। धीरे धीरे तो गाइस छत पर बैठ रखी मैं गौशाला के, और इसको देख रही हूँ बेचारी लगी हुई है, संतरे भी पक गए हैं दिख रहे हैं पीछे, तो अब खाएंगे हम खटाई, पर धूप लगती अच्छी ना तब मजा आता है, फिर भी हमको कौन रोक सकता है। मोहब्बत में यूं हद को पार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, दर्द की हदों
प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, ओ तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तू मेरी जी मेरी है अगर खबर। कैसे देख रही चल ओए चल ओ भाई ने तो मैंने खाना भी खा लिया और बर्तन भी धो दिए हैं और पापा भी आ गए हैं बकरियों के साथ से। अभी ऊपर खेत में जा रखे हैं, वहाँ पे थोड़ा तनी पत्थर उधर गिरे हुए हैं, तो मैं अभी नीचे वाली को सजाऊंगी और वहाँ से लकड़ियाँ लेके आऊंगी। पापा ने बोला कि बारीक वाली होती है ना, वो वाली लकड़ियाँ ख़त्म हो रखी हैं, तो अब चलते हैं हम थोड़ी देर में। हेलो गाइस, कैसे हो? वो मेरा नाम सोना है। वो क्या है आपका नाम? जल्दी बोल आपका नाम क्या है, जल्दी बोल वरना हेलो गाइस बंद कर दूंगी मैं। अब भैया वो देखो 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 ले ले पकड़ ले। हेलो गाइस डांस कर डांस कर। तो मैं आ गई थी सोना के घर से थोड़ा सोना के साथ टाइम स्पेंड करके, और उसके बाद गाय को घास उस दे करके खाना खुना बनाया, खाना खुना खा के अभी आ गई ऊपर। और ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्लीज़ बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नए नए वीडियो उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।